क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 5 के अंदर मैंने पहले ही बताया था हमें सिर्फ 5.1 करनी है, और 5.1 के अंदर हमें सीधा कहाँ से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि तुम देखते ही कहोगे कि सर ये कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये मत सोचना इतना आसान क्वेश्चन है तो छोड़ दे, है ना, करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन ने बोला है इफ अ पॉइंट सी, एक पॉइंट है, बोर्ड पे देखो एक पॉइंट है सी लाइज बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये सी पॉइंट दो पॉइंटों के बीच में है, मतलब ए और बी के बीच में ये तीसरा पॉइंट है, तो मैंने क्या बना दी, एक लाइन। समझ में आई बात? तुम देख सकते हो मैंने सी को कहां पर रखा है, बीच में रखा है। क्वेश्चन ने यही बोला था, देखो क्या बोला था, इफ अ पॉइंट सी, यदि एक पॉइंट लाइज बिटवीन, बीच में हो, बिटवीन का मतलब बीच में हो, किन के बीच में हो, टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर कोई पॉइंट सी हो, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। मुझे बताओ क्या बता रखा है हमें, गीवन में क्या दे रखा है, गीवन में हमें दिया गया है कि ए सी किसके बराबर है, बी सी के। क्वेश्चन ने हमें ए सी किसके बराबर बताया है, बी सी के बराबर बताया है ना, ए सी इक्वल टू बी सी। देन प्रूव दैट, अब लिखो टू प्रूफ, प्रूफ हमें करना है कि ए सी बराबर है 1/2, ए सी किसके बराबर है, 1/2 ऑफ ए बी। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि प्रूफ करो ए सी बराबर हो 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, और फिगर बना के एक्सप्लेन करें। देखो फिगर तो मैंने बनाई दी, एक काम करना अगर स्केल है तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथ से बना लेना, वैसे भी एक लाइन तो बनानी है ना, हाथ से बना सकते हो, है ना, हाथ से हर कोई बना लेगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं एक लाइन बनाने में। तो हमें प्रूफ ये करना है। अब लिखो, अब हम करेंगे प्रूफ। पहली बात तो मैंने ये बता ही दिया है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा और मुझे जरूर बताना, बोर्ड पे देखो, देखो इधर सभी बच्चे बोर्ड पर देखो। अगर मैं तुमसे कहूं कि एसी दो है, एसी कितना है, दो है, और सी भी, अगर मैं तुमसे कहूं एसी दो है और सी भी तीन है, एसी है दो और सी भी है तीन, तो मैं तुमसे पूछूं कि दोनों को मिलाकर कितना बनेगा। बोर्ड पे देखो, एसी और बीसी दोनों को मिलाकर, मतलब दो और तीन दोनों को मिलाकर कितना बन गया, पांच बन गया। देखो बोर्ड पे, दो और तीन को जोड़कर कितना आ गया, पांच आ गया, आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि एसी को और बीसी को जोड़ोगे, ध्यान से देखो बोर्ड पे, अगर एसी को, ठीक है, प्लस बीसी के साथ जोड़ोगे, बोर्ड पे देखो एसी को बीसी के साथ जोड़ोगे तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा ना। देखो इधर, एसी को बीसी के साथ जोड़ोगे तो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, ए बी बन जाएगी। एसी प्लस बीसी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी आएगा। पहले तो मुझे बताओ, इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ गई ना, समझो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन की मेन लाइन है, ये क्वेश्चन की हमारी मेन लाइन है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई, समझो क्वेश्चन खत्म है। फिर अगर तुम एसी को और बीसी को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, ए बी आएगा। बोर्ड पे देखो, अब मैं ये दो तीन पांच हटा देता हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। अब देखो जर, देखो इधर, एसी को बीसी के साथ जोड़ोगे तो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, ए बी बन जाएगी। समझ में आ गई ना बात, एसी को बीसी के साथ जोड़ोगे तो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, ए बी बन जाएगी। अब मुझे बताओ,
क्वेश्चन ने हमें एसी और बीसी क्या बता रखे हैं, बराबर। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमें एसी और बीसी आपस में क्या बताएं, इक्वल बताएं। मतलब तुम बीसी की जगह एसी डाल सकते हो और एसी की जगह बीसी डाल सकते हो, समझ रहे हो ना? एसी की जगह बीसी डाला जा सकता है और बीसी की जगह एसी डाला जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूं बोर्ड पे देखो, मैं इस बीसी की जगह क्या डालूंगा, बोर्ड पे देखो, मैं इस बीसी की जगह क्या डालूंगा, एसी डालूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले तो ये बताओ, डाल सकता हूं ना? दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तुम बीसी की जगह एसी डाल सकते हो या फिर एसी की जगह बीसी डाल सकते हो, ऐसा हम कर सकते हैं। तो बीसी की जगह मैं एसी डाल रहा हूं, ये डाल दिया मैंने, क्लियर। अब बस मुझे इतनी सी बात बताओ, एसी और एसी कितने एसी बताओ, एक्स और एक्स कितने एक्स हो जाते हैं, 2x। वाई और वाई कितने हो जाते हैं, 2y। तो एसी और एसी कितने एसी हो जाएंगे, 2ac। भाई एसी और एसी तो कितने एसी, 2ac। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोर्ड पे देखो, तुमने बीसी की जगह एसी डाला, एसी और एसी जुड़ने के बाद कितने एसी हो गए, 2ac। अब मुझे बताओ, 2 ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैं यहां पर कर रहा हूं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। देखो इधर, 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एसी तो ऐसे ही रहा, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तुम कहोगे डिवाइड हुआ है तो ए बी के अपोन में आना चाहिए, मैंने अलग से क्यों लिख दिया? देखो, चाहे तुम अपोन में लिखो चाहे अलग से लिखो, एक ही बात है। मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हें प्रूफ करना था। देखो, क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज प्रूफ करनी थी? देखो, यही तो करना था, ए सी इक्वल टू दिखाना था 1/2 ऑफ ए बी। हमने ए सी को दिखा दिया 1/2 ऑफ ए बी, है ना? लिखो, हैंस प्रूव्ड, एचपी, हैंस प्रूव्ड। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से आसान तो दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं बना जो 3 या 4 लाइनों में हो जाए। तो 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन परफेक्ट है, तो इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना घर पर, ये क्वेश्चन दिमाग के अंदर चिपक जाना चाहिए तुम्हारे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और एक्सरसाइज चल रही थी 5.1, और सिर्फ 5.1 ही करनी है, 5.2 में कुछ भी करने लायक नहीं है। मतलब 5.1 के मैंने तुम्हें पहले ही बता दिए थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इन 3 के अलावा हमें कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बचा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए, इन क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो लिखा हुआ है ना, इन क्वेश्चन नंबर 4, ये जो लिखी हुई है बात, इन क्वेश्चन नंबर 4, इसको भूल लो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमें क्वेश्चन नंबर 4 से फिलहाल फिलहाल कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। देखो, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। देखो, पहले मैं ये वाला पार्ट ड्रॉप कर देता हूं। उन्होंने कहा है कि जो लाइन ए बी है ना, ये क्या है हमारी, एक लाइन ए बी, और इस लाइन का उन्होंने हमें एक मिड पॉइंट बताया है। देखो लिखा हुआ है, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब समझते हो? मिड पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच है। मिड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच है। देखो, मैंने बीच में सेट कर दिया सी। देखो लिखा हुआ है, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, अब मुझे बताओ, वैसे क्वेश्चन को अभी आगे नहीं पढ़ रहे, अभी मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन में आगे है क्या, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, ये पूरी लाइन ए बी थी, ठीक है, और इस लाइन का ये जो बीच वाला पॉइंट था, ये जो पॉइंट सी था, ये क्या था, मिड पॉइंट था, है ना? ये सी क्या था, मिड पॉइंट था। मुझे बताओ, एक लाइन का एक से ज्यादा मिड पॉइंट हो सकता है क्या?
एक लाइन का एक से ज्यादा मिड पॉइंट हो सकता है? मेरा जवाब है नहीं हो सकता। तुम चाहे कुछ भी सोचो, मैं बताता हूं कैसे नहीं हो सकता। मान लो अगर एक से ज्यादा मिड पॉइंट होता, मान लो होता, अगर वो होता तो लाइन के यहीं पर ही होता ना कहीं क्या यहां पर होता? यहां पर तो नहीं होता कि ये उसका मिड पॉइंट माना जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर होता तो लाइन के ऊपर होता ना, सपोज यहां पर होता है ना, मान लो ये हो गया। बताओ क्या ये कहीं से भी मिड पॉइंट दिख रहा है? मिड पॉइंट का मतलब होता है यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बराबर। यहां का मिड पॉइंट के इधर का डिस्टेंस और मिड पॉइंट के इधर का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या ये मिड पॉइंट कहीं से नजर आ रहा है? नहीं। मान लो यहां पर है, मान लो क्या यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, क्या ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है? ये भी नहीं है। यानी कि हर एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यही बात क्या करनी है? प्रूफ। अब ये तो चलो ठीक है, हमें पता चल गया, तुम्हें पता चल गया कि एक ही होता है, लेकिन इस बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन मैंने जान के आगे नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा आगे। देखो, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। वो कह रहा है प्रूव करो जितनी भी लाइनें होती हैं, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ये बात प्रूव करो। तो पहले तो कुछ चीजें गिवन में लिखो। मैंने तुम्हें बताया था ज्योमेट्री में जो भी चीज वो गिवन करते हैं उस बात को लिखना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ ये पॉइंट उन्होंने क्या बताया था? मिड पॉइंट बताया था ना। बोर्ड पे देखो अगर उन्होंने सी क्या बता रखा है, मिड पॉइंट, और ये बात मैंने पहले बता दी है, अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है, ध्यान से सुनो, अगर कोई पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो ये वाली सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली सेगमेंट और ये वाली सेगमेंट, मतलब ये वाली लाइन देखो बीसी और ये वाली लाइन यानी कि एसी, ये दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए? बराबर, है ना। और ये मिड पॉइंट उसने हमें बता रखा है, तो लिख दो ये बात गिवन है कि एसी बराबर है बीसी के, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ने हमें सी क्या बताया था? मिड पॉइंट। तो मैंने क्या कह दिया कि बीसी किसके बराबर है? एसी के, ये बात गिवन है, ठीक है। अब लिखो टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें? हमें प्रूफ करना है कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, बस। तो इसको लैंग्वेज में लिख लो सीधा, लिखो एवरी लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट। थोड़ा छोटा छोटा लिख लेना, लेकिन पूरी लाइन लिख लो, क्योंकि इसको कैसे लिखे फिर, ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, है ना। तो एक बार नोट कर लेना, मैं गिवन टू प्रूफ वाला पार्ट हटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं अब। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि प्रूफ कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम एक चीज मानेंगे, क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था? हर लाइन का क्या होता है? एक ही मिड पॉइंट होता है। हर लाइन का एक ही क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। हर लाइन का क्या होता है? एक ही मिड पॉइंट होता है। अब बोर्ड पे देखो, अगर एक ही मिड पॉइंट होता है तो एक ही होना चाहिए, लेकिन मैं जानबूझकर क्या मानूंगा? दो मिड पॉइंट मानूंगा। मैं इस क्वेश्चन के अंदर जानबूझकर दो मिड पॉइंट मान रहा हूं खुद से। तुम्हें मालूम है ना दो नहीं हो सकते, दो हो ही नहीं सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, सही को सही साबित करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? गलत का, ठीक है। तो देखो मैं जानबूझकर एक पॉइंट और ले रहा हूं जिसको मैं क्या मान रहा हूं? मिड पॉइंट। देखो जैसे कि मैं यहां पर ले रहा हूं, फिलहाल डी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो। मैंने क्या ले लिया? डी, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, दो मिनट के लिए, बहुत आसान काम है। तुम कहोगे कि भैया कितना आसान काम है ये, तो देखो अब प्रूफ करते हैं। मैंने क्या माना? लिखो एज्यूम डी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। मैंने खुद क्या मान लिया कि डी भी क्या है? डी भी क्या है? एक मिड पॉइंट है। मैंने डी वाले पॉइंट को भी खुद से क्या माना? मिड पॉइंट माना। अब बोर्ड पे देखो,
हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक खास बात बताऊंगा। देखो इधर बना रहा हूं रफ में, तुम्हें नहीं बनाना है, केवल समझना है तुम्हें। मान लो एक लाइन है जिसका नाम है ए बी, ठीक है। इसका मैंने क्या मिड पॉइंट माना, के। क्या माना इसका मिड पॉइंट, के। अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि ए के क्या निकलेगा, ए के क्या निकलेगा, तो देखो कैसे निकलेगा। ए के क्या माना जाएगा, ए बी का आधा। समझ में आई बात। देखो मैंने तुमसे क्या कहा, के क्या है, मिड पॉइंट है, और मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ए के क्या निकलेगा, तो ए के क्या निकलेगा, ए बी का पूरी लाइन का, पूरी लाइन का आधा। तो देखो मैंने ए बी का क्या कर दिया, आधा, है ना। जब ये तरीका तुम तभी फिट कर सकते हो जब क्या बताया जाएगा, मिड पॉइंट। मैंने के को क्या बताया था, मिड पॉइंट बताया था। एक और समझो, देखो फिर से, एक लाइन है एक्स वाई, ठीक है, बीच में एक मिड पॉइंट सपोज मैंने तुमसे कहा पी, है ना। बीच में मैंने अपनी तरफ से एक मिड पॉइंट ले लिया और इस मिड पॉइंट को मैंने इस बार क्या नाम दे दिया, पी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ एक्स पी क्या निकलेगा, देखो पहले वाले की तरह बोर्ड पे देखो, पहले मैंने तुमसे कहा था ए के बताओ, तो तुमने क्या करा, पूरी ए बी का आधा कर दिया। देखो ए बी का आधा कर दिया ना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं पी के हिसाब से एक्स पी बताओ, तो अब भी किसका आधा करेंगे, पूरी लाइन का आधा, मतलब एक्स वाई का आधा, यानी कि 1/2 एक्स वाई। लॉजिक लगाना आ गया ना, हमें क्या करना होता है, पूरी लाइन का क्या कर देना होता है, आधा। पूरी लाइन का क्या कर देना होता है, आधा। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमें वो पॉइंट क्या बताया जाएगा, मिड पॉइंट। जब वो हमें पॉइंट क्या बताया जाएगा, मिड पॉइंट बताया जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाओ, अब देखो ये कैसे होएगा धड़ाधड़। अब बोर्ड पे देखो, देखो मैंने लिख रखा है ना, एज्यूम डी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। एज्यूम का मतलब होता है मानना, मतलब मैंने डी को क्या मान लिया है, मिड पॉइंट। बोर्ड पे देखो, मैंने डी को क्या मान लिया है, मैंने डी को क्या मान लिया है, मिड पॉइंट मान लिया है। डी को खुद से क्या मान, क्वेश्चन ने हमें किसको दिया था, सी को दिया था, लेकिन हमने डी अपनी तरफ से माना है। मैं मानता हूं कि मैंने डी अपनी तरफ से माना है, लेकिन माना तो है ना। तो देखो डी अगर मिड पॉइंट है, तो अभी अभी मैंने बताया था, अभी जो मैंने दो लाइन बनवा के दिखाई थी, बताओ ए डी कैसे निकलेगा। फिर मैंने बताया था अगर तुम्हें ए डी चाहिए, अगर तुम्हें ए डी चाहिए, तो पूरी लाइन का क्या करना पड़ेगा, आधा। पूरी लाइन का क्या करना पड़ेगा, आधा। और पूरी लाइन क्या है, ए बी है, कर दो ए बी का आधा, कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले स्टेप में। अभी अभी जो चीज मैंने सिखाई थी वही मैंने अप्लाई करी है बस। मैंने देखो थोड़ी देर के लिए सी को भूल जाओ, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो सी को भूल गए। अब तुम्हें बस एक ही मिड पॉइंट दिख रहा है, और वो कौन सा दिखाई दे रहा है, डी। तुम्हें ऐसे गायब नहीं करना है जैसे मैंने सी को गायब कर दिया, मैंने समझाने के लिए गायब करा है बस। मान लो डी मिड पॉइंट है इस समय, और मैंने बोला था एडी क्या निकालोगे, बताओ एडी क्या निकलेगा, पूरी एबी का आधा। तो देखो मैंने पूरी एबी का क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिखो सी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। क्वेश्चन ने तो हमें सी को भी मिड पॉइंट बता रखा है, बताओ बता रखा है या नहीं बता रखा है। सी तो बल्कि उन्होंने खुद बताया है, सी मिड पॉइंट तो उन्होंने हमें खुद बताया है। तो अब जरा डी को गायब कर दो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ऐसा तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें तो सी और डी दोनों बने रहने देने, तुम्हें सी और डी दोनों बनाए रखने, तुम्हें नहीं गायब करना, ठीक है। अब मैंने सी को दिखाया और डी को क्या कर दिया, गायब। अब मैं तुमसे पूछूं बोर्ड पे देखो, अब मैं तुमसे पूछूं बताओ एसी, एसी क्या आएगा। अगर मैं इधर वाली सेगमेंट तुमसे पूछ रहा हूं एसी, तो बताओ एसी के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरी लाइन का फिर से क्या करने को बोलूंगा, आधा। ये बात समझ में आ रही है ना। जब भी हम इधर की साइड निकालते हैं और ये पॉइंट क्या बता रखा होता है, मिड पॉइंट, ध्यान से सुनो बस। जब भी हम इधर की साइड निकालते हैं और ये क्या बता रखा होता है, मिड पॉइंट, तो पूरी लाइन का क्या कर सकते हैं, आधा। और जरूरी नहीं है इस साइड के लिए, उधर वाली साइड के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उतनी समझो। तो इस लाइन को निकालना है तो पूरी लाइन का क्या करना पड़ेगा, आधा। तो कर दो 1/2, वो भी ए बी का। इसको कह देना इक्वेशन नंबर
टू, इसको तुमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब एक स्टेप और करेंगे। देखो मैंने जल्दबाजी में ये भी रफ कर दिया, यहां पर ए डी था शायद। तो देखो जब भी तुम फर्स्ट और सेकंड बना लेते हो ना ज्योमेट्री में, जब भी तुम फर्स्ट और सेकंड बना लोगे, हमेशा उनको क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कंपेयर। उन दोनों इक्वेशन को करना है तुम्हें कंपेयर। तो लिखो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तुम्हें दोनों इक्वेशन को क्या करके दिखाना है, कंपेयर। और कंपेयर करने के बाद, कंपेयर करने के बाद देखो बोर्ड पे, देखो कंपेयर करने के बाद फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखो। फर्स्ट में भी 1/2ab है ना, इक्वेशन नंबर 1 में भी इस साइड क्या आ रहा है, 1/2ab आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी इस साइड क्या आ रहा है, 1/2ab आ रहा है। बताओ दोनों इक्वेशन में क्या इस साइड 1/2ab है या नहीं, दोनों में है ना। ध्यान रखना जब दोनों इक्वेशन की ये वाली चीज इक्वल है, जब दोनों इक्वेशन की ये वाली चीज क्या है, इक्वल है, तो ये वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दोनों इक्वेशन में जब एक साइड इक्वल होती है ना, तो ये वाली चीज भी इक्वल होनी ही चाहिए। तो कर दो फिर, देखो कंपेयर करते ही हमें पता चल गया कि AD किसके बराबर होना चाहिए, AC के। AD और AC क्या होने चाहिए, बराबर। ऐसा तुमने क्यों बोला, क्योंकि ये वाली साइड भी बराबर है। अब बराबर तो आ गया हमारा, अब देखते हैं क्या ये जो चीज बराबर आई है, क्या ये फिगर में फिट बैठ रही है। बोर्ड पे देखो हमने क्या निकाल लिया कि AD AC के बराबर है। बोर्ड पे देखो AD AC के बराबर है। अब जरा फिगर में देखो, देखो बोर्ड पे ये है AD है ना भाई, A से लेकर AD यही तो माना जाएगा, और AC क्या है, ये है AC, यहां से लेकर यहां तक का AC। बताओ क्या ये दोनों लाइन बराबर हैं? क्या तुम्हें AD छोटी दिख रही है, बिल्कुल। क्या तुम्हें AC बड़ी दिख रही है, बिल्कुल। AD छोटी है और AC बड़ी है, इसका मतलब ये जो हमने प्रूफ कराया ये पॉसिबल है ही नहीं। और ये कैसे निकला था, ये तभी निकला था जब हमने D को भी क्या मान लिया था गलती से, मिड पॉइंट। इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता। ध्यान से समझो, कंक्लूजन क्या निकला कि AD बराबर है AC के, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, बराबर। क्या ज्योमेट्री में हमें दिख रहा है कि ये लाइनें बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने जो माना था ना D को मिड पॉइंट, वो एक गलत कंक्लूजन था, ये बात साबित हो चुकी है अब। तो लिखो हैंस इट इज नॉट पॉसिबल, लिखो देयरफोर एवरी लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि हर लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, जो कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बीचों बीच होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा। डी नहीं हो सकता, डी हमने माना था लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि एडी और एसी बराबर नहीं है, और ये गलत कंक्लूजन निकल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो टिक कर लेना, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि बहुत छोटा है लेकिन आया तो है। देखो इन द फिगर, पहले तो फिगर बना लेते हैं। ये हमें फिगर दे रखी है और देखो लिखा हुआ है इन द फिगर इफ, ये जो इफ वाली बातें होती है ना, ये चीजें होती हैं गिवन। तो उन्होंने हमें AC और BD क्या बताया है, बराबर। बोर्ड पे देखो, उन्होंने हमें AC और BD क्या बता रखा है, इक्वल। देन प्रूव दैट, और प्रूफ करना है ये, लिखो टू प्रूफ, प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ठीक है। AC इक्वल टू BD दे रखा था और AB इक्वल टू CD प्रूफ करना, और बहुत ही आसान है। अब बोर्ड पे देखो दो मिनट के लिए, बस बताओ ये चीज दे रखी है, यहीं से शुरू करेंगे।
क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, ए सी इक्वल टू बी डी दिया है। अब जरा फिगर में देखते हैं, बोर्ड पे देखो, इन्होंने हमें क्या दिया है, ए सी। अब इधर देखो, मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक है ना ए सी भाई, यहां से लेकर यहां तक है ना ए सी, और ए सी के अंदर दो दो सेगमेंट आ गई, एक तो ए बी आ गई और एक बी सी आ गई, है ना। देखो बोर्ड पे, पूरी की पूरी ए सी के अंदर दो सेगमेंट आ रही है ना, एक तो आ रही है ए बी और एक आ रही है बी सी। तो मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं, मैं ए सी को लिख सकता हूं ए बी प्लस बी सी, बताओ लिख सकता हूं ना। पूरी की पूरी जो लाइन थी ए सी, उस ए सी में दो सेगमेंट आ रही थी ए बी और बी सी, मैंने दोनों को जोड़कर लिख दिया ए बी प्लस बी सी। अब जरा सी बी डी पर गौर करते हैं, ये एडिशनल बातें हटा देते हैं जो मैंने समझाने के लिए बनाई थी। तो देखो अब बीडी के लिए देखो बोर्ड पे, बताओ ये चीज बीडी है। अब जरा यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक बीडी है ना, देखो बी से लेकर डी तक ये क्या माना जाएगा, बीडी माना क्या जाएगा, है ही ठीक है। और मुझे बताओ बीडी के अंदर भी तो दो सेगमेंट आ रही है, एक तो आ रही है सीडी और एक आ रही है बीसी, दो सेगमेंट आ रही है, एक आ रही है बीसी और एक आ रही है सीडी, लिख दो बीसी प्लस सीडी, है ना। अब मुझे बताओ बीसी यहां पर भी है, बीसी यहां पर भी है, ध्यान रखना जब भी इक्वल टू के आमने सामने कोई चीज होती है और साइन भी होता है सेम, ध्यान से सुनो, जब भी कोई सेगमेंट इक्वल टू के आमने सामने होती हैं और साइन सेम होता है, मतलब या तो दोनों प्लस की हो या फिर दोनों माइनस की हो, तो वो चीजें कट जाती हैं। तो बीसी से बीसी कट गया और ए बी बराबर आ गया सीडी के, और मुझे बताओ यही तो प्रूफ करना था। देखो ए बी बराबर करना था सीडी के और हमने ए बी बराबर कर दिया सीडी के। हाँ, ये जो लॉजिक हमने यहां से लिया था ना बोर्ड पे, देखो यहां से शुरू करा था ना ए सी इक्वल टू बी डी, साइड में लिख जरूर देना कि ये लॉजिक कहां से आया था, ये लॉजिक तुमने गीवन से लिया था, तो साइड में लिखना ये बात हमें गीवन थी, तो साइड में लिखकर जरूर दिखाना है। तो दो नंबर में कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म हो जाता है, और बहुत ही आसान चैप्टर था।